नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में पंडितों की उपस्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि कुल मिलाकर 6514 कश्मीरी पंडित अब भी घाटी में रह रहे हैं और इनमें सर्वाधिक 2639 कश्मीरी पंडित कुलगाम जिले में रह रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि साल 2022 में एक भी कश्मीरी पंडित ने घाटी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की स्थिति के अनुसार घाटी में 6514 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे अधिक कश्मीरी पंडित कुलगाम में यानी 2639 रह रहे हैं, जबकि बडगाम में 1204, अनंतनाग में 808, पुलवामा में 589, श्रीनगर में 455, शोपियां में 320 और बारामूला में 294 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2020 से 2022 के बीच आतंकवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में 12 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति को अपनाकर काम कर रही है और केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आया है। उन्होंने कहा कि यहां आतंकवादी हमलों में भी कमी आई है। उनके मुताबिक 2018 में जहां 417 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं 2021 में 229 घटनाएं हुई हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा बलों से इतर 9 सरकारी कर्मचारियों की आतंकवादी घटनाओं में जान गई है। इस बीच एक बड़ा फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का कश्मीर से जम्मू स्थानांतरण कर दिया है। इस कदम का समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है, जो 2 महीने से ज़्यादा समय से सुरक्षा चिंताओं की वजह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। लोक निर्माण विभाग, सड़क और इमारत जो विभाग का है, उसके लैंडस्केप डिवीजन ने पिछले सप्ताह 5 प्रभारी सहायक इंजीनियर का कश्मीर घाटी से जम्मू स्थानांतरण करने का आदेश जारी किया। ये 5ों कश्मीरी विस्थापित कर्मचारी हैं। कश्मीर के लैंडस्केप डिवीजन के कार्यकारी इंजीनियर की ओर से 19 जुलाई और 22 जुलाई को फिर 3 अलग अलग आदेश में नीतू कौल, सुनैना रैना, सिद्धार्थ भट्ट, सावन कौल और समी पंडित को जम्मू के लैंडस्केप 3rd सब डिवीजन में स्थानांतरित किया गया है। अखिल प्रवासी विस्थापित कर्मचारी संघ कश्मीर ने 5ों इंजीनियरों के स्थानांतरण का स्वागत किया है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा, आंदोलनरत कश्मीरी पंडित कर्मचारी इस कदम का स्वागत करते हैं और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। गौरतलब है कि 12 मई को कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकवादियों ने राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार पाए कश्मीरी पंडित घाटी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।